नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से शनिवार को यूथ फेस्टिवल जश्न मिलाप आयोजित किया गया। प्रवाह एनजीओ के सहयोग से आयोजित यूथ फेस्टिवल में 50 से अधिक एनजीओ और प्रबुद्ध जन ने भाग लिया। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर की सतत विकास पर चर्चा की गई। चर्चा में लोगों ने नगर निगम हेरिटेज के साथ अपने अनुभव साझा किए, साथ ही कई सुझाव भी दिए। वहीं इस दौरान नगर निगम ने सामाजिक कार्यों के लिए 4 यूथ लीडर्स का सम्मान भी किया, जिनमें वसुंधरा प्रजापत, अभिषेक कुमार, पद्मा बैरवा, छवि शर्मा का सम्मान किया गया। इस दौरान हेरिटेज निगम और अन्य सामाजिक संगठनों ने स्टॉल भी प्रदर्शित किए। वहीं निगम आयुक्त अभिषेक सुराना ने कहा कि जयपुर शहर एक हेरिटेज सिटी है, साथ ही स्मार्ट सिटी भी है। अब इसे स्थायी और सतत विकासशील शहर कैसे बनाएं, इसे लेकर यूथ और प्रबुद्ध लोगों का सुझाव जरूरी है। इसके लिए हेरिटेज निगम ने ये फेस्टिवल आयोजित किया है, साथ ही शहर के विकास के लिए जो भी अच्छे सुझाव होंगे हेरिटेज निगम उन पर अमल लाएगा। प्रदर्शन दें जिससे हम यूथ को एक तो सिटी के साथ जोड़े और साथ में सिटी को सस्टेनेबल किस तरह से बनाए। वी वॉन्ट योर आइडियाज। जीडीए हो चाहे जयपुर नगर निगम हो, दोनों निगम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जयपुर स्मार्ट सिटी हो, वी वांट योर आइडियाज। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो सरकार में है सिर्फ वही लोग ज्ञान है। आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो आइडियाज होंगे वो कई ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, वो कई ज्यादा रिलेवेंट होंगे टू द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आइडियाज दें, आप लिखित में दें, आप मुझे मिलके दें, आप डिस्कशन हुआ होगा उसका जो भी एक आप मिनट्स या कुछ आप बनाएंगे पॉइंट्स, तो उसके माध्यम से दें। वी वांट योर आइडियाज टू नो मेक आवर सिटी मोर लिवेबल, मोर यू नो व्हेन वी से लिवेबल इट मींस इट्स आल्सो मोर लवेबल। लिवेबल के साथ साथ लवेबल भी होना चाहिए, हमें अपने शहर से प्यार होना चाहिए और जब ये सब होगा तो शहर सस्टेनेबल भी होगा, रेजिलिएंट भी होगा और एक ऐसा जयपुर होगा कि जिसमें हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं।